हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड नाड़ी। मैं मनीष। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। होप आप गाइस बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज काजल नहीं है हमारे साथ, बिकॉज वो कहीं बिजी है। देखो बट हमें अपने व्यूअर्स का ख्याल रखना होता है, इसलिए हम हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो लेके। और दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, ये है एक पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद की। काफी अमेजिंग वीडियोस आती हैं इनकी, और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन कश्मीर बन गया पाकिस्तान। हाउ इज इट पॉसिबल। ये तो वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा क्या पब्लिक रिएक्शन है वहां का, बिकॉज वहां लिखा पाकिस्तान न्यू पॉलिटिकल मैप 2020। तो टाइटल समझ में आ रहा है हमें पढ़ के, बट वीडियो देखने के बाद पता चलेगा रियलिटी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, उसके बाद हम वीडियो डिस्कस। जिस दिन इन्होंने किया था ना, मैंने इस्लामाबाद का नक्शा बना के उसके ऊपर इस्लामाबाद लिखे जेब में डाल लिया। मैंने कहा आज से इस्लामाबाद की सारी प्रॉपर्टीज मेरी हैं। इस पे तराने भी बन रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कभी भी इसके लिए प्रॉपर एफर्ट नजर नहीं आई। पेंसिल की लकीरों से कभी भी नक्शों में जो जितनी मर्जी लकीरें लगा दें तो इस तरह आजाद कभी भी नहीं हो सकता कश्मीर। ओ भाई तुम कर ही कुछ नहीं सकते। आधा घंटा तुमने खामोशी करनी थी, वो सड़कों पे खड़े होना था तुमने, उसके बाद वो एक मिनट की खामोशी करनी थी। इन चीजों से कुछ नहीं होता। जो अल्लाह को मंजूर होगा ना वही होगा। अब तहरीरें जितनी लिख लें, नक्शे जितने पार करा लें, नियतें साफ हो तो अल्लाह ताला कारवां खुद ही चला देता है। YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे और खैरो आफियत से होंगे। लॉकडाउन की वजह से मैंने काफ़ी अरसा काम नहीं किया, क्योंकि जान है तो जहान है, और जैसे ही पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म किया गया है मैं फौरी तौर पर काम पर वापस आ गई हूं। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, आज कल ना नक्शों का सीज़न चल रहा है। पहले नेपाल ने अपना मैप पब्लिश किया और अब पाकिस्तान ने अपना नया सियासी ऑफिशियल नक्शा जो है वो जारी कर दिया है, और नक्शे में गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया जा रहा है। तो आज हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि इस नए नक्शे के बारे में उनकी क्या राय है, क्या इस तरह कागजों पर लकीरें खींचने से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, और इमरान खान की 2 साल कारकर्दगी पर उनकी क्या राय है। तो आइए जानते हैं। इमरान खान ने जो नया सियासी ऑफिशियल नक्शा पास कर दिया है जिसमें कश्मीर को बकायदा तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर कि कश्मीर इस तरह से आज़ाद हो जाएगा? हो गया? मुझे तो नहीं लग रहा। किसी को भी नहीं लग रहा, ये सिर्फ खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है ना, वैसे तो हम कर कुछ नहीं सकते, तो शायद ऐसे ही सही। मैंने भी जिस दिन इन्होंने किया था ना, मैंने इस्लामाबाद का नक्शा बना के उसके ऊपर इस्लामाबाद लिखे जेब में डाल लिया। मैंने कहा आज से इस्लामाबाद की सारी प्रॉपर्टीज़ मेरी हैं। अब देखें मेरी होती हैं कि नहीं होती, हु नोस। बात पता है क्या है, देखें प्रैक्टिकली इनसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते ये इतने, बस ये क्या मैं आपको बताऊँ, इन्होंने समझा हुआ है कि ये जो 22 करोड़ आवाम है ना, वो बहुत बेवकूफ़ है। चलें एक दफ़ा कुछ लोग बेवकूफ़ बन गए 25 जुलाई 2018 को, कुछ लोग बेवकूफ़ बन गए, आपने इतने सबज बाग दिखाए। अब प्रैक्टिकली जब उन्होंने आपको देखा ही आ रहे थे बिल्कुल ही नलायन थे, कुछ भी नहीं आता, तो ये फिर अब लोग आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करते। देखें एक तरफ आपने, हमने क्या किया, देखें मैं अब आपको प्रैक्टिकली मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। हमने वो गुरुद्वारा बनाया उधर, ठीक, कितना हमने गुड जेस्चर दिया, हम बड़े अच्छे हैं गुड जेस्चर देने में ना, वो हमने बनाया जी, हमने उसने बाबरी मस्जिद का वो करवा के उधर से, जिस दिन इन्होंने ये किया उसी दिन उसने प्रैक्टिकल काम किया है मोदी ने, उसने बाबरी मस्जिद की जगह पे मंदिर की तामीर शुरू करवा दी है, इनॉग्रेशन कर दी है। दिस वॉज द टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल मूव ऑफ मोदी, हमने उसको करके ले जी, हमने ये हमारा सियासी नक्शा हो गया। ओ भाई तुम कर ही कुछ नहीं सकते। आधा घंटा तुमने खामोशी करनी थी, वो सड़कों पे खड़े होना था तुमने, उसके बाद वो एक मिनट की खामोशी करनी थी,
इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। अब पता नहीं, या तो ये समझते हैं कि हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, चलें थोड़ा बहुत तो हम हैं ही, इसीलिए तो हमने गदा खा भी लिया और गदा मुसल्लत भी कर लिया, थोड़ा बहुत तो हम बेवकूफ़ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इतने भी नहीं है कि आप उसको वो करके, इसमें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत थी। ये आपने मैंने अभी एक बात हुई थी तो मैंने कहा गलां दा खटिया कांदे ने, प्रैक्टिकली इनसे कोई काम नहीं होना। मेरे ख्याल से ये है कि सिर्फ और सिर्फ मैप तो एक पिक्चर को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सिर्फ डिबेट काफ़ी नहीं होगी, इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ये बहुत सालों से देख रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है, हर कोई कह रहा है, बोल रहा है, इस पे तराने भी बन रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कभी भी इसके लिए प्रॉपर एफर्ट नज़र नहीं आई। जिस तरह से इमरान खान साहब ने कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया है, क्या इस तरह से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, कभी भी मुमकिन नहीं है। पेंसिल की लकीरों से कभी भी नक्शों में जो जितनी मर्जी लकीरें लगा दें तो इस तरह आज़ाद कभी भी नहीं हो सकता। कश्मीर को आज़ाद करने के लिए हम सबको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, और हमारे जो हुक्मरान साहिबान हैं उनको भी उस पर अमल करना पड़ेगा जो ज़ुबान से निकालते हैं, अदरवाइज़ कश्मीर कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज़ तो कश्मीर वालों को से पूछना चाहिए कि आया वो हमारे साथ हैं भी कि नहीं, ठीक है ना। आप लोग हम लोग इसे सिर्फ इस तरीके से बात कर लेते हैं जी ये नक्शा बन गया जी कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, नॉट पॉसिबल ही नहीं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कश्मीर को नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया, क्या इस तरह से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? बेटा, जिसने कश्मीर को आज़ाद कराना है ना, उसको नक्शों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर होगा ना वही होगा। अब तहरीरें जितनी लिख लें, नक्शे जितने पार करा लें, नीयतें साफ़ हों, तो अल्लाह ताला कारवां खुद ही चला देता है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला कश्मीर को ज़रूर आज़ाद कराएगा। लीडरों का क्या है बच्चे, वो आएँगे अपना चमका के चले जाएंगे, अपने आप को नाम पैदा करके चले जाएंगे, लेकिन उनमें से कौन सा लीडर एक ऐसा होगा जो अपना नाम पैदा करेगा और जो अल्लाह के घर में भी सुरखरू होगा, वो अल्लाह को पता है बच्चे। और नक्शों की ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ती, नियतों के अमाल मिलते हैं बच्चे। देखें, कोई भी आप अच्छा स्टेप लेते हैं या कुछ स्टार्ट करते हैं, आप उसकी पहले इंडिकेशंस देते हैं कि हम ये चाहते हैं, तो खान साहब ने ये बताया है कि भाई हम ये चाहते हैं, लेकिन आप कश्मीर आप बाई फोर्स ही ले सकते हैं, आप वैसे तो नहीं ले सकते। तो अब ये एक आइडिया दिए हैं उन्होंने, अपनी इंडिकेशंस दी हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी इसके बारे में कितनी क्लियर है। शाह महमूद कुरैशी ने स्पेशल कश्मीर वालों के लिए जो है सऊदी अरब से बात की है, उन्हें कहा है कि आप अपना क्लियर मौक़िफ़ क्यों नहीं देते। ये देखें, एक इंडिकेशन एक स्टार्ट हो चुकी है, अब हमें पता है भी हमारे नक्शे में शामिल हो गया है, एफर्ट करनी चाहिए। अब बाकी ये देखें भाई, डायलॉग ये डिटेल है, इन द एंड देखें आप कोई भी चीज़ हमने जीतनी है तो जंग या कोई इस तरह बाई फोर्स ही ले सकते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है, एक स्टार्ट है, एक बिगनिंग है, इंशाल्लाह हम होपफुल हैं। लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं इमरान खान की स्टेटमेंट पर, उनके इस अमल पर लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है नून लीग इसकी बड़ी मुखालफत कर रही है, वो कह रहे हैं जी इस तरह कागजों पर लकीरें खींचने से कश्मीर फतह नहीं होते। क्या नून लीग उनकी सही मुखालफत कर रही है, या उन्हें इस इकदाम में इमरान खान के साथ खड़े होना चाहिए था? बात पता क्या, ये मसला नून लीग का या पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का तो है ही नहीं, ये तो कलेक्टिवली पाकिस्तान का मसला है। कश्मीर का जो इशू है ना, वो पाकिस्तान का इशू है। शहर आगे पाकिस्तान कहा गया कश्मीर को, शहर आगे पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी नहीं कहा गया। तो ये तो बाकी नून लीग जो कह रही है वो ठीक कह रही है, गलत नहीं वो कह रही, लेकिन बात पता क्या है, ये जो मर्जी कहते रहे, हमने तो ये देखना है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर क्या है। कुछ प्रैक्टिकल तो करें ना, कुछ बात तो करें। वो हमने नक्शा बना दिया क्या, हमने हमारी तो सॉरी टू से बात मुझे फिर मुझे बात हमारी तो इतनी जरूरत नहीं है खान साहब आपकी। आपके मुल्क में एक बंदे ने जहाज़ लेके आया, आपके मुल्क में अटैक किया, आपने वो जहाज़ गिराया, आप एक दिन उसको नहीं रख सके, एक दिन नहीं रख सके। ये इनकी असेंबली में आके आपने ऐलान किया, तुसी ऐसे काबुल हो, तुसी इन्ना की ताडे च जरूरत है, एक दिन उसको नहीं रख सके। असेंबली में आके वेरी नेक्स्ट डे इन्होंने ऐलान किया जी हम अभिनंदन को वापस कर रहे हैं, तो जी वो मोदी का फोन आ गया। ये तो इनका हाल है। अब उसमें भी अगर ये कहें कि नून लीग का कसूर है, पीपल्स पार्टी का कसूर है, तो ये अटैक उनके दौर में तो नहीं हुआ ना, ये तो इन्हीं के दौर में हुआ है, आप रख सकें उसे एक दिन भी? देखें जी, इस पे पूरी कौम को जो है ना मुतहद होना पड़ेगा। किसी ने तो ये नक्शा बनाया है ना, इससे पहले भी थी मौजूदा हुकूमतें, लेकिन इस हुकूमत ने अगर ये बड़ा इकदाम उठाया है, नक्शा बनाया है,
तो ये इंडिया के लिए बहुत तकलीफ दे अमल है। मैं समझाता हूँ कि इंडिया के मीडिया को आग लग गई है और ये नक्शा इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी इसका सूरज तलू होगा इस नक्शे से और ये नक्शा पूरी दुनिया में फैलेगा। हम इस नक्शे की मुकम्मल हमायत करते हैं और पूरी कौम को ये दिखाना चाहते हैं कि ये नक्शा कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत ही ज़रूरी था और हकूमत को हम जो है ना इसको भरपूर इसको सपोर्ट करते हैं हुकूमत की, उसने ये नक्शा बनाया है, बहुत अच्छा इकदाम उठाया। आप इस बारे में क्या कहेंगे, एहसन इकबाल ने जो बयान दिया किस तरह से कश्मीर फतह नहीं होते, इस पर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में ये कि बात तो सही है कि सिर्फ मैप से नहीं होता लेकिन आपस में एक ही मुल्क है उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि कश्मीर का जो स्टांस है वो तो सबका एक ही है ना, तो इस वजह से सबको इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर अपोजिशन के कुछ हो सकते हैं ऐसे इख्तलाफात तो वो अपने एंड पे हो सकते हैं, उनकी हुकूमत के बारे में हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर सबका एक ही राय होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपस में ही लगे रहें और उसके लिए कोई एफर्ट वगैरह ना हो रही है। सर, नून लीग जो है वो इसकी बड़ी मुखालफत कर रही है, कह रहे हैं जी लकीरें खींचने से कश्मीर आज़ाद नहीं होते, तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्या नून लीग को इसका मुखालफत करनी चाहिए या इस वक्त में दोनों पार्टियों को एक होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो कश्मीर और आज़ादी के बारे में, कश्मीर की आज़ादी के बारे में जो बात कर रही हैं, सियासी तौर पे दोनों मुखालिफीन हैं एक दूसरे के और कोई भी एक दूसरे को जो है अच्छे लफ्ज़ों में प्रमोट नहीं करेगा। अगर इमरान खान साहब ने नक्शे में वो बनाया है लकीरें खींच दी हैं तो नून लीग वाले भी नहीं मानेंगे और अगर इसी दौर में उन्हीं के दौर में अगर ये वो कर लेते तो खान साहब भी नहीं मानते। मेन मसला है जो कश्मीर की आवाम है, जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए क्या जद्दोजहद कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये मामला जो है इस तरीके से कभी भी हल नहीं हो सकते। देखो बेटा, इस वक्त ना सियासत को एक साइड पे रखना चाहिए इंसान को और उनके लिए अगर आपने कोई जद्दोजहद करनी है तो फिर ये सारी चीज़ों को साइड पर रख के एक मैदान में खड़े होना चाहिए सबको। अगर आप इसको अपनी जंग बना के खड़े होंगे तो मेरे ख्याल में फिर इस आजमाइश में हम पूरे नहीं उतर सकेंगे। अच्छा, लोग ना इस चीज़ का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी मीम्स देखने में मिल रही हैं। एक लड़के ने, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लड़के ने अपने कमरे में ना एसी का नक्शा लगा दिया और कह रहा है कि क्या ये एसी मेरा कमरा ठंडा कर देगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप सुबह उठते हैं ना, आपकी एक विल पावर होती है, आप एक नीयत करते हैं, आप एक सोचते हैं कि मैंने आज ये करना है, फिर आप वो करते हैं, ठीक है ना। पहले एक सोच तो, आज तक कोई सोच नहीं है, कोई वाजिया पॉलिसी नहीं है कश्मीर पे, मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, कमेटी थे, कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए कि अब एक आइडिया मिला है, इंशाल्लाह होपफुली इन द एंड कश्मीर हमारा तो होगा, हम गजवा हिंद जीतेंगे इंशाल्लाह, हमारा ये अज़म है। तो हम होपफुल हैं जी खान साहब से, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी वाजिया की है, सऊदी अरब से क्लियर बात की उन्होंने कि आप शाह महमूद कुरैशी ने क्या वाजिया मौक़ दें, आप डिप्लोमेटिक ना रहें। तो इंशाल्लाह हम होपफुल हैं, खान साहब जहाँ पर अच्छे काम हो रहे हैं वो बताए नहीं जाते लेकिन वो हिडन बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ बन रही हैं। अच्छा, इंशाल्लाह होपफुल हैं, एक जस्तजू आगाज़ तो हुआ है ना इस चीज़ का। अच्छा सर, आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि इमरान खान की हुकूमत को 2 साल पूरे हो चुके हैं और 3 साल अभी बाकी हैं, तो आप उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे, क्या इमरान खान साहब मुल्क को किस तरह से चला रहे हैं? वो कहाँ चला रहे हैं मुल्क को, उन्हें ये तो अल्लाह तवक्कल चल रहा है, ये उसी तरह है जिस तरह आप, अब हम डूबने के करीब हैं, जैसे एक अनट्रेंड आदमी को आप समुंदर में उसमें वो छोड़ दें ना तैरने के लिए, वो हाथ पाँव मारेगा, आखिरकार वो डूब जाएगा, तैर तो वो सकता नहीं। तो खान साहब ने ये किया, इन्हें पता था कुछ नहीं, इन्होंने बस वो करके के जी मैं तो ऐ कर देंगा वो कर देंगा, प्रैक्टिकली इन्होंने किया कुछ नहीं। बेड़ा गर्क इन्होंने इकॉनमी का भी कर दिया है, बाकी मामला का भी कर दिया है, तो वो इनसे होना कुछ नहीं था। बाकी जो 3 साल की बात आपने की है, हॉरेबल, जब मैं ये सोचता हूँ कि ये 3 साल और हुकूमत में रहेंगे, बल्कि कुछ तो दीवाने कहते हैं कि क्योंकि शायद किसी को इससे अच्छा ओबीडियंट नहीं मिल सकता तो शायद ये कंटिन्यू करे, तो बेटा फिर तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है, वैसे पहले भी अल्लाह हाफिज़ है, लेकिन अगर ये और काट, हर आने वाला दिन इनके दौरे हुकूमत का पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान की कॉमन पब्लिक के लिए, जो 80% पॉपुलेशन है, जो मीडियोकर्स हैं, जो सफ़ेदपोश लोग हैं, उनके लिए भारी है और ये मज़ीद भारी होता जाएगा। दुआ करें अल्लाह ताला हमारी कौम को इनसे निजात दे या इन्हें अकल दे, वैसे इनको अकल आने की मुझे उम्मीद नहीं है,
दुआ करें निजात ही मिल जाए। आई थिंक हम इतना ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि जब तक आप उस सीट पर बैठते नहीं हैं आप कुछ कह नहीं सकते कि आपको बैक एंड पे क्या सिचुएशंस फॉलो कर क्या फेस करनी पड़ रही होती हैं। लेकिन एक चीज़ यह है कि मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे बाद कोई लॉयल प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान को मिला है, तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चैलेंजेस भी आए हैं कोरोना की वजह से। अब बेसिक जो मुझे जहाँ इशू लग रहा है वो ज़्यादा ये है कि पिछले एक साल में महंगाई, आप रेट देख लें चीज़ों के, गोल्ड का, डॉलर का रेट कितना हाई हो गया, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी है, लेकिन फिर भी ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना वो वाकई ये फेस करी महंगाई स्पेशली बहुत ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसे होने चाहिए। फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह की चीज़ें जो हैं इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सर, इमरान खान की हुकूमत को 2 साल हो गए हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? क्या आप इमरान खान की हुकूमत से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इधर लिबर्टी मार्केट में देखेंगे पाउंड बना हुआ है, ये इमरान खान साहब की कारकर्दगी है। और भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको दिखाना नामुमकिन है, ठीक है ना। हमारा मीडिया, आप लोग ही मीडिया ही, मीडिया को देखा जाए तो मीडिया भी इतना प्रमोट नहीं करेगा। आप इसको इस चीज़ को देखें ना, ये यहाँ पर जो पानी खड़ा हुआ है, इसकी सीवरेज के निज़ाम, ठीक है ना, तालीमी निज़ाम, ठीक है ना, हॉस्पिटलाइजेशन क्या है, ठीक है ना, अभी इतना बड़ा सानिया गुजरा हुआ है COVID-19 का हो रहा है, उसके बारे में क्या एक्ट अपॉन किया किसी ने? कुछ भी नहीं। हर बंदा अपनी अपनी डफली, अपने अपना राग बजा रहा है और कुछ भी नहीं। मैम, इमरान खान की गवर्नमेंट को आए 2 साल हो चुके हैं, क्या कहेंगे? इमरान खान कैसी हुक्मरानी कर रहे हैं? मैं तो उनकी इस चीज़ से बिल्कुल भी मुतमइन नहीं हूँ, इसलिए कि मैं, मेरे ख्याल में किसी से भी मुतमइन नहीं हूँ। हमने खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, ठीक है, किसी ने किसी का साथ नहीं देना। जो आता है वो अपनी कहानियाँ सुना के चला जाता है, माशाल्लाह ये आए हैं ये भी उतर जाएंगे। अब आगे देखें, आगे इसके अलावा और कौन सी ज़िंदगी में आते हैं, और बहुत से नक्शे आने हैं अभी, और बहुत सी चीज़ें अभी आनी, और मैं मुतमइन नहीं हूँ उससे। पाकिस्तान के नए सियासी ऑफिशियल नक्शे के बारे में पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि खान साहब, तस्वीरें खींचने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना है तो अमल करके दिखाएं। और जहां तक बात है इमरान खान की हुकूमत की, तो हर शहरी उनसे नाराज़ है। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। नया नक्शा माजी की पहचान का, नया नक्शा माजी की पहचान का, जिसमें कश्मीर है पाकिस्तान का। नक्शे में खींची गई है लाइने, जिसके आज़ादी है मायने। ये नक्शा है अपनी आन का, जिसमें कश्मीर है पाकिस्तान का। और जो अंकल जी थे, आई डोंट नो उनका नाम क्या था, उनका नाम पूछा था, नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा, और डायरेक्ट उन्होंने बातें बताई। वो काफी आते हैं सलाम दस की वीडियो में, जो वो थी ना अभिनंदन वाली बात, वो बहुत सही बोली उन्होंने। यार हमें भी बहुत कमेंट आते हैं, टी वाज फैंटास्टिक, टी वाज फैंटास्टिक। अरे वो 5 मिनट की वीडियो थी, पूरी वीडियो तो देखो, पूरी वीडियो में बोला क्या? कोई भी किसी भी चैनल पे जिसमें वो डाल रखा है ना सीन, उसमें कभी पूरी वीडियो नहीं दिखाएंगे। इतने सारे क्वेश्चंस पुट ऑन किए गए थे, ऑब्वियसली काफी चीजें जो नहीं बताने वाली थी, सीक्रेट थी, वो नहीं बताई। और वहां पे पाकिस्तान की आर्मी जो भी इंट्रोगेट कर रही थी, वो कुछ कर भी नहीं पाई। ऑब्वियसली क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन का रूल है, कोई पायलट अगर किसी कंट्री में क्रैश होता है और वो वॉर की सिचुएशन नहीं है, तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा पायलट का। ये कोई गुड जेस्चर और वो बोलने वाली बात है, ये पूरा इंटरनेशनल प्रेशर था। जो अंकल ने बोला ना, एक दिन से ज्यादा रोक नहीं पाए और मोदी का कॉल आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, वो बात बहुत सही है। ऑब्वियसली बात है, आप कैसे रोक सकते थे उन्हें वहां पर, जब कोई वॉर वाली सिचुएशन ही नहीं है, ठीक है। ऊपर से है ना, आपके फाइटर जेट्स पहले आए हैं, उसके रिप्लाई में गया है हमारा फाइटर जेट, तो ये तो भाई एक नेचुरल सी चीज है। तो मीडिया कितना भी प्रोपेगेंडा बनाना चाहे, कितनी भी वो बोली जाए, इंटरनेशनल मीडिया भी है, सारी रिसर्च होती है, तो एक साइड से सुनने में तो भाई इंडियन मीडिया भी है ना, कई बार हमें खुद है ना इंडियन मीडिया कभी कभार कुछ वीडियोस में ना लगता है कि भाई वो फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, और पाकिस्तान मीडिया का भी सबको पता है, जो लोग हैं खासकर खुद
यहाँ पे एक बंदे ने बहुत अच्छी चीज बोली है, कश्मीर के लोगों से तो पूछ लो, पूछ लो सही बात, होना चाहिए नहीं वन साइडेड है ना, गाना गाने से नहीं होता कि भाई कश्मीर के लोग है ना वो है पिक्चर्स ऐसी दिखा रहे पत्थरबाजों को, भाई फ्यूचर खराब कर रखा है जो भी लोग इन लोगों को करते हैं ना पत्थरबाजों को, उन लोगों का फ्यूचर खराब कर रखा है, वो लोग पढ़ना चाहते हैं ग्रो करना चाहते हैं, काफी कश्मीरीज हैं जो बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर रहे हैं, ठीक है टीवी इंडस्ट्रीज से लेकर पूरे सिद्धार्थ की बात से एग्री कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे कश्मीरी फ्रेंड्स जो यहाँ हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं दिल्ली में, उनको खुद कह रहे हैं यार वहाँ का बहुत बुरा हाल है, जब देखो कर्फ्यू लग जाता है हम लोग पढ़ना चाहते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं बट हमें मजबूरी यहाँ के पढ़ना पड़ता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि बॉर्डर साइड से इतना ज्यादा प्रोपोगेंडा और अटैक चल रहे होते हैं, अगर उनको फ्री कर दिया जाए वो ऑब्वियसली अपना फ्यूचर देखेंगे और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, और ये पता है सबको कि इंडिया और पाकिस्तान में से बेटर पोजीशन किसकी है इकोनॉमिक, और मुझे ये बात समझ नहीं, लाइन खींच देना अपने मैप में डाल देना कि क्या दिमाग का काम किया है, ये कुछ समझ नहीं आया मुझे, ये तो वही वाली बात हो गई है गूगल मैप हर कंट्री को अपना अपना मैप है ना उसी के वे में दिखाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज और वो खुश रहे, तो ये बच्चों वाली बात है, और काफी लोगों का जैसे हमने ओपिनियन देखा है इससे कुछ नहीं होता, वो वाला अच्छा था कि इस्लामाबाद का नक्शा मैंने अपनी पॉकेट में रख दिया पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो गई, और मुझे वो भी सही लगा एसी मैंने अपने रूम में लगा दिया है ठंडा हो जाएगा, कमरा ठंडा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी थी, मतलब हमने व्यूज सुने लोगों के, पाकिस्तान आवाम के व्यूज सुने, आपको क्या कहना प्लीज हमें कमेंट करके बताएं इस चीज, और सना अंदर की जो वीडियो होती है काफी अमेजिंग होती है, इनकी वीडियो से प्रोपेगेंडा नहीं दिखता, रियल में जो लोग बोलते हैं और उनकी चीजें है ना वो पता चलती है, और ये सही बात है, ये चीज है ना प्रैक्टिस करनी चाहिए पब्लिक रिएक्शन में जाके कि हाँ आपको क्या लगता है कि ये चीज अगर गवर्नमेंट ने कर दी तो ये क्या रियल में हो गया और सबको पता चल गया कि सबके क्या ओपिनियन है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है इस वीडियो के, और हो सके तो शेयर करो इस वीडियो और सब्सक्राइब करें सनम दत्त के चैनल को, साथ ही साथ ट्रेंड नाड़ी में आप अगर नए ट्रेंड नाड़ी को भी सब्सक्राइब जरूर करें, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।